बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मज़ेदार रेसिपीज ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोरा केक की रेसिपी, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है और बच्चे इसे शौक से खाते हैं। तो इसे हम बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरा केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसे मैंने फेंट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप इसमें रेगुलर चीनी जो हम यूज़ करते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी के डिजॉल्व होने तक हमने इसे मिक्स किया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 3/4 कप और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे, ओवर मिक्स नहीं करना है आपने। तो देखिए मैदे को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा बैटर अभी गाढ़ा है। अभी इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसमें मिल्क की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना थिक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। तो अब इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके पैनकेक रेडी करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब पैनकेक बनाएंगे। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे और इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। अब इसे हमने जब तक कुक करना है जब तक इसके ऊपर बबल्स आने ना लग जाए। तो 2 मिनट तक हम एक साइड से कुक करेंगे। तो ये देखें ऊपर से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। तो देखें इस तरह से इस पर कलर आ जाएगा। दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। तो देखें 2 मिनट हो चुके हैं, ये नीचे से भी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो देखें सारे पैनकेक मैंने रेडी कर लिए हैं, ये देखें। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। पैनकेक जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो अब एक हम पैनकेक लेंगे और इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप या फिर न्यूटेला आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सी भी चॉकलेट नहीं है तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, वरना डेयरी मिल्क लें और इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट करें और वो स्प्रेड कर दें। तो इसे हम इस तरह से पूरे पैनकेक पे लगा देंगे। अब चॉकलेट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, वरना कम। अब इसके ऊपर हम दूसरा पैनकेक रखेंगे और इसे बस साइडों से हल्का सा बस प्रेस करेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। देखें ये हमारा पैनकेक एक रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के भी पैनकेक रेडी कर लेंगे। चलें अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे डिलीशियस से डोरा केक तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये डोरा केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एन इजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।